सिंध की तारीख में ऐसे कई बड़े नाम गुजरे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ना सिर्फ जंग लड़ी बल्कि मुखालिफ को भी मजबूर कर दिया को इनकी बहादुरी और शुजात की तारीफ करे। मुतहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से सिंध को तकसीम करने के हवाले से बयान आने के बाद पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए मरसू मरसू पर सिंध न डेसू का नारा लगाया। लेकिन यह नारा सबसे पहले किसने और कब लगाया इसके लिए हमें तारीख से रुजू करना पड़ेगा। ये सन 1843 का जिक्र है जब अंग्रेज ने हैदराबाद की तरफ पेशकदमी की तो कुछ बहादुर लोगों ने डट कर इनका मुकाबला किया था। इन्हीं में से एक होश मोहम्मद शीदी भी थे जिनको होशु शीदी के नाम से भी जाना जाता है। होश मोहम्मद शीदी ने इस जंग में वो शुजात दिखाई कि अंग्रेजों को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया कि लगता है नेपोलियन की फौज का कोई सिपाही हमारे खिलाफ लड़ रहा है। मारूफ तारीखदान डॉक्टर कलीमुल्लाह आशारी कहते हैं कि अगर हम होश मोहम्मद शहीदी के हवाले से तारीख को देखें तो उनका तस्करा तीन जगह मिलता है। इनके मुताबिक जनरल चार्ल्स नेपियर अपनी किताब सिंध के फातिमे में लिखते हैं कि जब हैदराबाद की जंग हो रही थी तो मैंने देखा कि एक शख्स नहायत बेजिगरी से लड़ रहा था और ऐसे लगता था कि जैसे वो बना ही जंग के लिए है। उसकी लड़ाई का अंदाज देखकर लगता था कि जैसे नेपोलियन की फौज का कोई तरबियत याफ्ता सिपाही लड़ रहा है। चार्ल्स विलियम नेपियर लिखते हैं कि वो बंदा है जिसको मयानी की जंग, दोपे की जंग और हैदराबाद की जंग में भी देखा गया। कलीमुल्लाह आशारी के बकौल जब जनरल चार्ल्स और दीगर लोगों की किताबें सामने आईं और होश मोहम्मद सीदी का तस्करा सामने आया तो लोगों को तजस्सुस हुआ कि ये कौन है और इनका हसब नसब क्या है। वो कहते हैं कि जंग की तारीख फाते लिखता है और मफतूहा कौमें उसको याद करती हैं ताकि अपनी माजी की गलतियों को जान सके। लाशारी के मुताबिक होश मोहम्मद शीदी के हवाले से 50 की दिहाई में तहकीक शुरू हुई और डॉक्टर नबी बख्श ने इस पर काम शुरू किया। उन्होंने सन 1962 के लगभग इनके पसमानगान में से दो के नाम भी बता दिए। उन्होंने बताया कि होश मोहम्मद उन्हीं दिनों पैदा हुए जब मीर फतेह अली तालपुर के यहाँ सन 1801 में अमीर सूबेदार पैदा हुए। होश मोहम्मद इनके हम असर थे और खानदानी रवायत भी यही है कि वो भी इसी घर में एक मुलाजिम के यहाँ पैदा हुए। डॉक्टर कलीमुल्लाह आशारी ने बताया कि माजी में बड़े लोगों में बड़ी सखावत होती थी और वो बाज़ुकात गुलामों के बच्चों की तरबियत भी अपने बच्चों की तरह करते थे। यही सूरत हाल होश मोहम्मद के हवाले से भी सामने आई। होश मोहम्मद और मीर सोबदार दोनों एक साथ बड़े हुए और इकट्ठे जवान हुए। बाद में होश मोहम्मद मीर सोबदार के खिदमतकार बन गए। जाहिर है कि बाद में इनको जो हरबी तरबियत मिली वो इनका हक बनता था। विलियम नेपियर ने तस्दीक की है कि मीर सोबदार की फौज का बंदा था जो मीर नसीर के बंदों के साथ मिलकर मयानी की जंग के लिए चला गया। कलीमुल्लाह आशारी के मुताबिक मयानी की जंग में बलोचों को शिकस्त हुई। ताहम होश मोहम्मद मीर शहदाद के साथ मिल गए जो इसी जंग में शिरकत के लिए आ रहे थे। रिवायत है कि होश मोहम्मद शीदी ने सबसे पहले मरवेसू पर सिंध न डेसू का नारा लगाया। डॉक्टर करीम लाशारी ने बताया कि सन 1960 की दिहाई में बहुत से लोगों को शौक हुआ कि होश मोहम्मद शीदी की कबर को ढूंढ निकाला जाए। इस दौरान कुछ लोग 24 मार्च सन 1843 की हैदराबाद की जंग की जगह पहुंचे। ये इलाका अब झंडुना रेजू का गांव कहलाता है। वहां के लोगों ने बताया कि होश मोहम्मद की कबर गांव के करीब है। अब ये बात उन लोगों के लिए बहस का मौजू बनी कि सिंधी फौज के बहादुर सिपाही जिनको अंग्रेजों ने हैदराबाद के किले में दफन किया वो कौन है। इस पर काफी बहस हुई। अब ये बहस जारी थी कि कैप्टन मोइन ने एक मुकाला छाप दिया जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत के साथ तगड़ो करके ये साबित किया कि हैदराबाद के किले में जिस मुजाहिद की कबर है वो होश मोहम्मद शीदी ही है। इनके मुताबिक होश मोहम्मद, मीर जान मोहम्मद तालपुर और मीर मोहम्मद खान तीनों ने विलियम नेपियर के खिलाफ हैदराबाद की जंग लड़ी थी और इसी में शहीद हुए थे। इनके मुताबिक दोनों की कबरें भी मौजूद हैं। इनकी दलील ये थी कि जो कबर किले में मौजूद है वही होश मोहम्मद की है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच कहते हैं कि सन 1966 में ये बहस चल रही है और सरकारी रिकॉर्ड में भी यही लिखा है। उनका कहना था कि जब हमें हैदराबाद के किले में दो कबरों का मालूम हुआ तो लामहाला तीसरे होश मोहम्मद ही रह जाते हैं। जॉन जैकब, जिनके नाम से सिंध का शहर जैकबाबाद मशहूर है, उन्होंने भी सिंध की तारीख के हवाले से लिखा है जब वो हैदराबाद में तायुनात थे। उन्होंने लिखा कि झंडोना रेजो में 1930 और 1942 के दरमियान का वाक़ है जब उन्होंने इलाके का दौरा करके लोगों से कहा कि मैं होश मोहम्मद शीदी की कबर देखना चाहता हूँ। लोगों ने इन्हें वो कबर दिखाई। कलीम लाशारी के मुताबिक जॉन जैकब ने जब यहाँ का दौरा किया तो उन्होंने अपनी किताब में इस हवाले से कोई तारीखी हवाला नहीं दिया। इनका दौरा कोई 85 साल के बाद हुआ। डॉक्टर कलीमुल्लाह आशारी ने मजीद कहा कि इनकी अपनी ज़ाती राय यह है कि जो कबर हैदराबाद के किले में है वही होश मोहम्मद शीदी की कबर है और इनकी वफ़ात का दिन 24 मार्च है। कलीमुल्लाह आशारी ने बताया कि 19वीं सदी में तालपुर सिंध पर हुक्मरान थे। ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ को नेपोलियन से ख़तरा था और उन्हें खौफ था कि फ्रांस की ताकत भी कोई शाखसाना खिलाएगी। अंग्रेज़ ने अपना बंदोबस्त करने के लिए 1804 में सिंध के साथ मुआहदा कर लिया जिस पर दस्तखत नहीं हुए। इस दौरान सन 1806 में एक मुआहदा हुआ और 1911 तक 1930 में भी ऐसे सिलसिले चलते रहे जिनमें अंग्रेज़ों ने सिंध के साथ ना लड़ने के मुआहदे कर रखे थे। लाशारी के बकौल फिर भी हम देखते हैं कि चार्ल्स नेपियर आते हैं और जंग ना करने का मुआहदा भी करते हैं, लेकिन इस मुआहदे की तस्दीक नहीं हो सकी थी लिहाजा अंग्रेज़ पेशकदमी जारी रखे हुए थे। उस वक्त जो बलोच कबाइल थे जैसे निज़ामानी और लगारी वगैरह सब कह रहे थे कि अंग्रेज़ के तेवर हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। लाशारी कहते हैं कि इस दौरान नेपियर ने खैरपुर में दखल अंदाजी शुरू की जिस पर इन कबाइल का गमो गुस्सा मजीद बढ़ गया और इन्होंने हैदराबाद में अंग्रेज़ रेजिडेंसी पर हमला कर दिया जहां रेजिडेंट अपने दस्ते के साथ मौजूद था।
डॉक्टर कलीम के मुताबिक ये जंग नहीं थी बल्कि गुस्सा था। इस तनाव के नतीजे में मियानी की जंग की सूरत हाल पैदा हुई। मियानी हैदराबाद और हाला के दरमियान का इलाका है। वो बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में बड़ी बड़ी हुकूमतों के पास, जिनमें ईरानी और रोमन शामिल थे, बाकायदा फौज रखने का रवायत था। इसी तरह हिंदुस्तान में अशोक और अकबर के पास फौज के अहदों का निज़ाम मनसब मौजूद था, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में सिंध में ये निज़ाम मौजूद नहीं था। उन्होंने बताया कि उस वक्त सिंध में सरदार या नवाब थे, जो जंग की सूरत में अपने लोगों को जमा करके जत्था बनाते थे। इनमें सिपाही, सूबेदार और जूनियर कमीशन अफसर का तस्वीर मौजूद नहीं था। लाशारी के मुताबिक हमें मीर सूबेदार के दौर में इन लोगों में तरबियत नजर आती है। इनके यहाँ तोपखाने का निज़ाम भी था, जिसके सरबरा होश मोहम्मद शीदी थे। हैदराबाद की जंग के हवाले से बताते हुए लाशारी ने बताया कि मशहूर वाक़या है कि जब ये जंग होने वाली थी तो इससे कबल गाँव के करीब मौजूद बारूद में आग लग गई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस आग लगने के पीछे कोई साजिश थी, क्योंकि जंग के लिए बारूद का होना ज़रूरी है। वो बताते हैं कि चूंकि जंग का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन दुश्मन के अजायम खासे ख़तरनाक थे, लिहाजा होश मोहम्मद शीदी और इनके दीगर साथी हिम्मत और दानिशमंदी से डट गए। इनके बकौल ना सिर्फ होश मोहम्मद शीदी मरवेसूं सिन्ना डेसूं का नारा लगाते रहे, बल्कि विलियम नेपियर लिखते हैं कि वो लोगों को इकट्ठा करके जंग की तरफ लाते रहे और फिर बिलाखिर इस जंग में शहीद हो गए। लिहाजा हैदराबाद और सिंध में मुकीम शीदी बरादरी ना सिर्फ हर साल होश मोहम्मद शीदी का जन्मदिन और बरसी मनाती है, बल्कि इनके मज़ार की तामीर और मरम्मत का काम भी अपनी मदद आपके तहत कर रही है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कादिर बख्श शीदी, जो अल हब्श शीदी जमात के नायब सदर भी हैं, उनका कहना है कि होश मोहम्मद शीदी की कब्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब नारजानी के इलाके में है। कादिर बख्श ने बताया कि होश मोहम्मद की बरसी और जन्मदिन पर मज़ार पर तकरीबात अपनी मदद आपके तहत मुनाकिद करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि होश मोहम्मद के ख़ानदान के लोग मिर्ज़ा फाड़ू में रहते हैं, लेकिन वो इतने फ़ाल नहीं हैं। कादिर के बकौल होश मोहम्मद के मज़ार की तमीर और मरम्मत के लिए हम खुद काम कर रहे थे, लेकिन जब सन 2018 में आसिफ जरदारी सदर थे तो हमने उनको खत लिखा था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मज़ार पर आए और उन्होंने इसकी तमीर का ऐलान किया, जिसके बाद मज़ार का एक नक्शा भी बनाया गया और फंड्स भी जारी किए, लेकिन कुछ अरसे बाद ये काम रोक दिया गया। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।